पहली योजना है, जल नल योजना के मतलब लूट योजना है इनका। सारे जगह लूट हुआ है जल नल योजना में, कहीं पानी उनी नहीं गिरता, पानी नहीं जाता है। यहाँ की घोर समस्या है, पहाड़ी इलाका है यहाँ, तो खास करके टाउन में पानी की बहुत घोर समस्या है। मैं उसे निदान करने का काम करूंगा। नमस्कार, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क बिहार। पूरी तरह से चुनावी मोड में आता जा रहा है, खास करके उन सीटों पर जो हॉट सीट हैं, उन्हीं में से एक है शेखपुरा, जहां से आरजेडी के टिकट पे ताल ठोक रहे हैं विजय सम्राट, जिनका मुकाबला है जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी से, जो अपने विवादित बयान के लिए पूरे देश में चर्चित हुए थे। जैसा कि आपको याद होगा, उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर पर जॉब को लेकर बेहद ही विवादास्पद बयान दिया था कि बाप पैदा किया जो जॉब दे ही नहीं सकता, तो सरकार कहां से जॉब देगी। हमारे साथ हैं विजय सम्राट, आइए उनसे बात करते हैं। विजय जी, शेखपुरा में किस तरह के जो है मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं शेखपुरा में। यहाँ 15 साल के शासन में कुछ नहीं हुआ है। 10 साल से यहाँ के प्रतिनिधि सिर्फ ठकने के काम किए हैं। हमारे घाट कुसुमा प्रखंड है, घाट कुसुमा प्रखंड में आज भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। अगर थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो वो जा नहीं पाएंगे। नाव की सुविधा नहीं रहती है, बरसात में जल जमाव का स्थिति वहाँ रहता है। सरकार के द्वारा जल जमाव कर दिया गया, जबकि वहाँ बाढ़ घोषित है। सारा लालू यादव के रीजन में बाढ़ घोषित था वहाँ, लेकिन नीतीश जी के रीजन में वहाँ जल जमाव घोषित कर दिया गया है, जिससे वहाँ कुछ फायदा नहीं है और आने जाने के और वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रखंड का ये स्थिति है, अरेरी प्रखंड में भी सारे जगह सब जो जगह यही हैं। शेखपुरा हो, चेवाड़ा हो, सारा जगह जितना भी हमारे विधानसभा में कहीं कोई सुविधा नहीं है। और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सारा चौपट यहाँ हो गया है। यहाँ हम लोग कोई उद्योग भी यहाँ नहीं है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि थे 10 साल में, आज तक कभी उन्होंने, सभी जनता जानता है जो कि बिहार विधानसभा में कभी आज तक एक क्वेश्चन तक नहीं किए, कभी चेहरा तक भी टीवी में नहीं देखे, मोबाइल में नहीं देखे, किसी में कोई नहीं देखा, और सिर्फ ये सोने के काम किए, बाकी कोई काम नहीं किए। ये बताएं कि जिस तरह से शेखपुरा के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी हॉट सीट है, कभी यहाँ से राजू सिंह जैसे विधायक हुआ करते थे, पिछले 10 सालों से जेडीयू के विधायक हैं यहाँ से, और अभी लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बेहद ही विवादास्पद बयान दिया था। क्या आपको लगता है कि जनता इन चीज़ों को याद रखी है? एकदम जनता याद रखेगी। पहले राजूबाबू का यहाँ जो भी था, राजूबाबू ने ब्लॉक से जिला बनाए, उनको कोई भूल नहीं सकता। शेखपुरा की जनता कभी भूल नहीं सकता। और रह गए यहाँ 10 साल में जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनका तो विवादित बयान हमेशा सुर्खियों में रहता ही है, हमेशा ऐसा ही जो शुरू से ही रह गया, सारा उनके बारे में, सब उनके बारे में सबको पता है जी कि क्या करते थे, नहीं करते थे, सारा सबको पता है यहाँ के बारे में। इसलिए यहाँ की जनता जान गई है, ऊब गई है, और ये कोई काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए सारे जनता इस बार उठा करके फेंकने का काम करेगी उनको कूड़ा में। ये बताएं कि आप जिन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो अपनी जनता को गिनाना चाहेंगे, खास करके कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद हम ये काम करेंगे? मैं चुनाव जीतने के बाद पहला काम शिक्षा के मामले में करेंगे। शिक्षा के मामले में यहाँ हमारे 2 सरकारी कॉलेज हैं, यहाँ शिक्षा में MA MSc का पढ़ाई नहीं होती है, मैं उसको लागू करवाऊंगा। उसके लिए सभी बच्चियाँ लोग को बाहर जाना पड़ता है, मैं चाहूँगा जी कि यहीं उसकी पढ़ाई हो, ये पहला मेरा प्राथमिकता रहेगा। और यहाँ भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं शिक्षा के मामले में, बढ़िया स्कूल, यहीं एक संस्थान है जिसे सब जगह खोज रहे थे, दिल्ली का संस्थान है DAV स्कूल, मैंने उन्हें भी
लाने का काम किया, उनको कहीं ज़मीन नहीं मिला, मैंने ज़मीन उनको मुहैया करवाया और आज के डेट में शेखपुरा में बढ़िया एक विद्यालय है जिसकि सभी लोग को सुविधा प्रदान की जाएगी। और जो भी है शिक्षा के मामले में सभी मैं चाहूँगा यहाँ जी की सो यहाँ 3 कॉलेज प्राइवेट कॉलेज भी हैं, मैं चाहूँगा जी कि वो सरकारी हो जाएं जिससे जी कि सभी लोग उसमें शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ जाए, सभी लोग उसमें कॉलेज में प्रोफेसर लोग सारे लोग आएं और सबको पढ़ाएं बच्चे लोग को, मेरा ये पहली प्राथमिकता रहेगी। कहते हैं कि एक इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास रहने के लिए, तो इसको लेकर के आपने कुछ सोचा है? आपने शिक्षा की तो बात की, स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर के मैं बताता हूँ, ये 15 साल में शेखपुरा में जो भी है स्वास्थ्य मैंने के मामले में बहुत पुअर है। यहाँ हॉस्पिटल चले जाइए कहीं कुछ है ही नहीं है, अगर पब्लिक डेड कर जाती है किसी कारण से, पोस्टमार्टम में बहुत परेशानी होती है, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं रहते हैं, सभी नालंदा में पड़े हुए रहते हैं, जहाँ भी जहाँ हैं यहाँ पोस्टिंग कराए हुए हैं और सभी अपने अपने घर में रहते हैं। मैं पहला नंबर है जी उनको सुधारने का काम करूँगा, जो भी डॉक्टर हैं या जो भी यहाँ सारे सुविधाएँ उपलब्ध होगी बिल्कुल प्रखंड स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर का भी मैं उसे देखने का काम करूँगा और सभी जगह सारा सब मुहैया करवाने का काम करूँगा जबकि यहाँ कोई भी स्वास्थ्य में कहीं किन्हीं को दिक्कत ना हो। और मैं प्रयास करूँगा जी कि अच्छा से अच्छा सुविधा हो, जबकि रेफर जो होते हैं रेफर ना हो, यहीं उनकी इलाज हो, मैं ये पूरा प्रयास करूँगा। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने वादे में कहा है कि हम 7 निश्चय जो हमारी योजना है उसका पार्ट 2 लेके आएंगे, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो आप मुझे वोट देते हैं तो 7 निश्चय जो योजना है उसकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है जल नल। तो यहाँ शेखपुरा पहाड़ी इलाका है, पानी की समस्या तो होती ही होगी, तो क्या लगता है कि उनका जो जल नल योजना है वो धरातल पर उतर पाया है? नहीं, इनका तो फेलियर योजना है, जल नल योजना का मतलब लूट योजना है इनका, सारे जगह लूट हुआ है जल नल योजना में, कहीं पानी उनी नहीं गिरता, पानी नहीं जाता है, यहाँ की घोर समस्या है, पहाड़ी इलाका है यहाँ तो, खास करके टाउन में पानी की बहुत घोर समस्या है, मैं उसे निदान करने का काम करूँगा। और ये जल नल का योजना जो है सो बहुत पुअर है और कहीं सब जगह और जल जल योजना हो गया, ये अगर कहीं चल भी रहा है पानी 2 जगह तो वो नली की तरफ बाहर आ और बीच रोड में ही सारे जब खन दिए हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं है, सभी कादो कीचड़ सभी घर ले जाते हैं अपने चप्पल के द्वारा, यही है इनका योजना, ये फेलियर योजना है इनकी। इस तरह से मौजूदा जो JDU के विधायक हैं रणधीर कुमार सोनी जी, उन्होंने रोजगार के लेकर के ही बहुत ही तीखा तंज कसा था, क्या आप अगर चुनाव जीतते हैं तो शेखपुरा के यूथ के लिए, आप खुद यंग हैं काफ़ी, शेखपुरा के यूथ के लिए रोजगार को लेकर कुछ करेंगे? हालांकि आपके नेता तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की है, विजय सम्राट पर्सनली शेखपुरा के यूथ के लिए क्या करेंगे? मैं शेखपुरा पर्सनली के लिए यूथ के लिए मैं करूंगा जी कि छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने का काम करूंगा, प्रेरित करूंगा सभी लोगों को। शेखपुरा का जो है पहाड़ जो है, जो नीतीश कुमार जी द्वारा बड़े बड़े कंपनी को जो दे दिया गया, मैं चाहूँगा जी कि छोटे छोटे इनको टुकड़ा में कर करके छोटे छोटे जो हैं व्यापारी हैं या जो यहाँ हैं सभी लोग को मुहैया कराने का काम करूँगा, जिससे सभी लोग का रोज़गार हो सके। और इसी और भी बहुत सारे जगह है सो यहाँ रोज़गार लगाने का मैं काम करूँगा। और रह गई हमारे नेता 10 लाख बोले हैं जी कि, तो 10 लाख अगर हो जाएगा तो वो तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट दस्तखत से उनका होना है, तो इससे बेहतर और क्या है। और भी उन्होंने बोला है जी कि से जितने भी हैं लोग उद्योग लगाएंगे, मैं भी उनसे प्रयास करूंगा जी कि मेरे भी शेखपुरा में बड़ा कोई फैक्ट्री लगे, ये मैं खुद प्रयास करूंगा उनसे जी कि रिक्वेस्ट करूंगा जी कि से नहीं यहाँ फैक्ट्री लग जाए जिसमें हमारे हजारों हजार बेरोजगार रोजगार में आएंगे। अभी भी मेरी कंपनी है 1-2 जगह जो भी है, अभी भी मैं 5,000 लगभग मजदूर को यहाँ रोजगार दिए हुए हैं, पहाड़ के माध्यम से, रोड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से बहुत सारे जगह हैं और मैंने यहाँ रोजगार हम लोग लगाए हुए हैं जिसमें 5,000 मजदूर आज भी सभी लोग जानते हैं शेखपुरा वासी जी कि वहाँ रोजगार मुहैया कराया जाता है। और भी जब हम आ जाएंगे प्रतिनिधि बन के, मेरा दायित्व बनता है जी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोजगार मुहैया करा सकूँ।
और उसमें मैं खड़ा उतरने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा। क्या लगता है कि विजय सम्राट जो हैं, जिनका विजय सम्राट नाम है, सम्राट शेखपुरा का बन पाएंगे? अब सम्राट तो जनता बनाएगी, और जनता ही नाम दिया है, ना कि मेरे घर का नाम है। मेरा तो नाम विजय कुमार था, लेकिन सभी जनता ही सम्राट सम्राट पुकारने लगे, और आज के डेट में मैं उन्हीं के बदौलत विजय सम्राट के रूप में मौजूद हूँ। तो जरूर जनता चाहेगी तो सम्राट जरूर बनकर दिखाएंगे। ये बताएं कि आप यंग हैं, तेजस्वी यादव यंग हैं, और जैसा कि उनके टीम में ज़्यादा यंग लोगों को इस बार तरजीह मिला है, तो आप लोग अगर जीत के आएंगे तो बिहार को, जैसा कि तेजस्वी यादव खींच रहे हैं एक लकीर की, हम जो वो काफ़ी आगे ले जाने की जो लकीर खींच रहे हैं, तो लगता है कि बिहार की जो तस्वीर है वो बदलेगी? एकदम तस्वीर बदलेगी, नहीं बदलने का क्या बात है, एकदम तस्वीर बदलेगी। जहां युवा है तो सब चीज़ है, युवा तो एकदम सरकार बदल देती है। तो आज की डेट में युवा तेजस्वी यादव के साथ है तो सरकार बदलाएगी ही, और युवा का सरताज तेजस्वी यादव सीएम होंगे ही, और सारे जगह सब युवा जब लग जाएंगे तो युवा के पास, आज उसके डेट में सभी युवा जो बेरोजगार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सभी बेरोजगार हैं, तो सभी लोग लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ है जी कि सबको रोज़गार मुहैया हो ही जाएगी। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे विजय सम्राट, जो शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं, और जैसा कि इनका नाम है, और इन्होंने कहा कि ये नाम मेरा घर का नाम नहीं है, शेखपुरा की जनता ने मुझे सम्राट बनाया है, सम्राट का कर पुकारती है। तो निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे, तो हम सचमुच के शेखपुरा के सम्राट बन जाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, शेखपुरा।